नमस्कार दोस्तों, सेल की तरफ से आईटीआई वालों को नौकरी करने का एक शानदार अवसर मिला है और ये ना केवल सेल की तरफ से एक नोटिफिकेशन है बल्कि उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो ये समझते हैं कि आईटीआई जो कोर्स है ये कोर्स ही बेकार है, जो ये कहते हैं कि आईटीआई करना बेकार है, आईटीआई से कोई आईटी करके कोई अच्छा करियर नहीं बना सकता, आईटीआई करके कोई अच्छी जॉब नहीं ले सकता, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है। ध्यान से सुनिएगा, ये है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके तरफ से आईटीआई वालों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। 29 दिसंबर 2023 को ही ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, बट मैं आज आपको ये नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। बट कोई ना, आपके लिए देखिए सही जानकारी पहुंचना चाहिए, चाहे वो जानकारी लेट ही पहुंचे लेकिन सटीक जानकारी पहुंचना चाहिए, है ना। तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारी ये सेल है, ये सेल देखिए स्टील मेकिंग का काम करती है और इसका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है यहाँ पर देखिए 1,00,000 करोड़, यानी कि इतने बड़े कंपनी में आईटीआई वालों की जरूरत है। तो कैसे आप कह सकते हैं या फिर कोई कैसे कह सकता है कि आईटीआई कोर्स बेकार है, है ना। आज के टाइम पर देखा जाए तो जल थल वायु ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आईटीआई वालों को जगह नहीं मिलती होगी अपना एक करियर बनाने का, अपना जो देश के प्रति सेवा करने का है वो सेवा करने का मौका नहीं मिलता होगा, है ना। रेलवे में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, यानी कि एमटीएस में, हर जगह पर इनको मौका मिलता है, है ना। तो ये देखिए ये फुल्ली नोटिफिकेशन है, टोटल इसका डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। कितनी वैकेंसी है उस पर हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए फिटर की वैकेंसी है टोटल 6 पदों पर, इलेक्ट्रीशियन की है टोटल 12 पदों पर, टर्नर की है 3 पदों पर और ईओटी क्रेन ऑपरेटर की है टोटल 9 पदों पर, वेल्डर की है 5 पदों पर और हैवी व्हीकल ड्राइवर की है 5 पदों पर। यानी कि टोटल ये वैकेंसी का ब्यौरा है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज इसको कैटेगराइज किया गया है, है ना। ये वैकेंसी का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें देखिएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो उस दौरान आपको अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, है ना, ट्रेनी के रूप में आपको एक पोस्ट का नाम मिलेगा और इस पोस्ट के दौरान आपको सैलरी कितने मिलेगी, तो पे स्किल देखिएगा 25,070 रुपये, है ना। कितना है 25,070 रुपये, ये बेसिक सैलरी है आपका, है ना। स्टील प्लांट आपको बेसिक सैलरी इतना देने वाली है और इस बेसिक में से देखिए बहुत सारे अलाउंसेस भी एड होंगे, है ना, EA DA HRA, तो इतने सारे अलाउंसेस जब ऐड होंगे इस पे, आज के टाइम पे देखिए जो DA है वो 46% हो चुकी है, है ना। तो 46% आज के टाइम पे चल रही है, तो आप बेसिक का 46% जोड़ लीजिएगा और आप जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसको जोड़ लीजिएगा, यानी कि टोटल मिला के आपकी जो सैलरी है इन हैंड आपको 30K+ ही मिलने वाली है, कम इससे मिलेगी नहीं। और हर वर्ष 3% का, बेसिक का 3% जितना होगा उतना इंक्रीमेंट होगा सैलरी का, है ना। तो ये रहा आपका सैलरी का और ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपके पोस्ट का, सॉरी नंबर ऑफ वैकेंसी का, है ना। देखिए जो कहते हैं ना कि बिल्कुल आईटीआई कोर्स बेकार है, आईटीआई कोई मत करना, आईटीआई करने से मतलब कि भविष्य कोई अच्छा भविष्य नहीं बनता है, है ना। तो इस वैकेंसी में आप सिलेक्शन लीजिए और ऐसे लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारिए, है ना। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर केवल ना कि आईटी वालों के लिए बल्कि डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है, लेकिन मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि कितना कितना फर्क है। देखिए इसमें 6, 12, 3, 9, 5, 5 ये पोस्ट है, सॉरी ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, लेकिन यहीं पर देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन किसके लिए है, ये बॉयलर ऑपरेशन के लिए, है ना। यहाँ पर देखिए ये है नोटिफिकेशन, है ना, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए, ये डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए है। कितने पोस्ट की जरूरत है, 3, ओनली 3 पोस्ट की जरूरत है, यानी कि 3 केवल वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। लेकिन आईटीआई वालों में ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जहाँ पर देखिए, जहाँ पर मतलब आईटी के कंपेयर में किया जाए, आईटी के साथ कंपेयर किया जाए इसका डिप्लोमा का, तो आईटी के कंपेयर में बहुत कम यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। जिससे हमें क्या पता चलता है भाई, हमें एक ही बात पता चलती है कि आईटी वालों की जो डिमांड है ना वो आए दिन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब रेलवे बिना आईटी वालों के चल नहीं सकेगा, है ना, एमटीएस बिना आईटीआई वालों का चल नहीं सकेगा, नेवी बिना आईटीआई वालों का चल नहीं सकेगा, है ना। हर जगह पर आईटीआई वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे ले चलता हूँ इस नोटिफिकेशन के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम बात करते हैं। तो ये रही आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, है ना, इलेक्ट्रीशियन वालों की, क्योंकि ये चैनल ही इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। टोटल 12 पोस्ट पर वैकेंसी है। आपके पास इस नौकरी को
ग्रहण करने की, इस नौकरी को अचीव करने के लिए वो सर्टिफिकेट क्या क्या होना चाहिए, योग्यता क्या क्या होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, मैट्रिकुलेशन का मतलब क्या होता है, 10th विथ फुल टाइम ITI, आपके पास 10th है और फुल टाइम ITI। फुल टाइम का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसा कोई ITI का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए जो डिस्टेंस लर्निंग वाला हो, आपके पास रेगुलर, चाहे आप प्राइवेट ITI किए हो चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ से ITI किए हो, है ना। ITI आपका फुल्ली टाइम वाला होना चाहिए और साथ में 10th होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ITI आपके पास नहीं है तो फिर NAC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, है ना। ये ऑयल इंडिया भी कराती है डायरेक्ट 10th के बाद अप्रेंटिसशिप, और आपका एक NCL भी कराती है 10th के बाद डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप, है ना। तो 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, 10th प्लस ITI, इन दोनों में से कोई सा भी सर्टिफिकेट है आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ में देखिए NCVT से आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए, ओनली NCVT से, तभी जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा एलिजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा फॉर्म अप्लाई करते समय। और एज क्राइटेरिया पे मैं आगे आपको ले चलता हूँ, एज क्राइटेरिया देखिए क्या है, ये रही आपकी एज क्राइटेरिया, है ना। एज में रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, एज क्राइटेरिया देखिए कितना है, 18 से 28 वर्ष, कितना 18 से 28 वर्ष एज है, और इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा आपको, किसको, ST/ST वालों को, और OBC वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, यानी कि जो भी कंपनी नोटिफिकेशन निकालती है, जो भी PSU हो या फिर जो भी यूनिट हो, जब भी नोटिफिकेशन निकालती है तो उसमें जो एज का क्राइटेरिया दिया होता है ना, वो अनरिजर्व पे लागू होता है, है ना। किस पे लागू होता है, अनरिजर्व पे लागू होता है। इसके अलावा देखिएगा यहां पर दिया गया है अदर बेनिफिट्स क्या मिलेगा, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन और बॉयलर ऑपरेशन, है ना। ये तो डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए है, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये रही आपके लिए ITI वालों विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर एक साल 12,900 रुपये आपको मिलेगा एक साल तक, और ये जो एक साल आप ड्यूटी करेंगे ना, ये आपका प्रोविजनल ट्रेनिंग होगा, जिसको हम PT कहते हैं। प्रोविजनल ट्रेनिंग यहाँ पर 2 साल का है, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का है। फर्स्ट ईयर में आपको 12,900 और सेकेंड ईयर में बढ़ा करके 15,000 देंगे आपको, और जैसे ही आपका ये प्रोविजनल ट्रेनिंग समाप्त होती है वैसे ही आप पूरी तरह से रेगुलर हो जाएंगे, है ना, पूरी तरह से आप स्थायी रूप से हो जाएंगे। और इस ट्रेनिंग के दरमियान भी आप स्थायी रूप से ही होंगे, है ना, क्योंकि देखिए आप ITI जब करते हैं तो आप ITI में फायर को भी पढ़ते हैं, अब जब ITI करते हैं तो सेफ्टी एंड हेल्थ को भी पढ़ते हैं, तो जो सेफ्टी एंड हेल्थ में जो जो नियम होते हैं, जो जो रूल्स होते हैं उसको सिखाया जाएगा, बैटरी कैसे यूज करना है उसको सिखाया जाएगा, रिले कैसे काम करती है, मतलब कि ITI से रिलेटेड, है ना, मल्टीमीटर वगैरह कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से सिखाएंगे, और ये 2 साल तक लगातार आपको सिखाएंगे, ताकि आप भी एक एक्सटेंडर खिलाड़ी बन सके, है ना। तो इसके लिए इन्होंने प्रोविजनल ट्रेनिंग 2 वर्ष का रखा है, और 2 वर्ष के दरमियान आपको बिल्कुल यहां पर देखिए सैलरी भी मिलेगी, ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। लेकिन PF जो है मेरे भाई, इस टाइम पे PF यानी कि भविष्य निधि जो होता है, प्रोविडेंट फंड जो होता है, इस टाइम पे आपका ट्रेनिंग पीरियड टाइम पे नहीं कटेगा यहां पर, है ना। इसके अलावा देखिए यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, बहुत सारी सुविधाएं हैं, अलाउंसेस के नाम पर देखिए कई सारे अलाउंसेस हैं, मेडिकल की सबकी सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि एक ITI वाला बंदा जब कहीं पर भी सिलेक्ट होता है अपनी काबिलियत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर, तो उनका जो संघर्ष, उनकी जो काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से वहाँ पर उसको सैलरी दी जाती है, वहाँ पर उसको अलाउंसेस दिए जाते हैं, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में देखा जाए तो किस मोड पर आपका एग्जाम होगा। सिर्फ हरियाणा स्टेट एक ऐसा है जो अभी तक ऑफलाइन एग्जाम लेता है लाइन मैन की, इसके अलावा सारे स्टेट में हरियाणा ऑफलाइन एग्जाम लेता है, इसके अलावा सारे स्टेट जो है वो ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं CBT के थ्रू। देखिए ये आपका CBT टेस्ट होगा, है ना, CBT टेस्ट होगी, इसके बाद आपका यहां पर स्किल टेस्ट भी होने वाला है, ना, ये देखिए ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, इसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा। यानी कि आपका स्किल टेस्ट जो है ये केवल और केवल कैसा रहने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर का, आपको ओनली पास होना है यहां पर, है ना, केवल पास होना है, लेकिन आपका जो मेरिट जाएगा, आपका जो सिलेक्शन जाएगा, मतलब कि मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा, है ना, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सारी चीजों पर बात करूंगा मैं कि कैसे कैसे आपका क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। थोड़ा सा यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, जैसे कि आपका हाइट होना चाहिए कितना,
है ना, आपका हाइट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फिजिकल दोनों के लिए सेम है, बॉयलर अटेंडेंट के लिए भी है और यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए भी है ना। तो देखिए हाइट होना चाहिए मिनिमम आपका, अगर मेल है तो 155 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 143 मेल है ना सेंटीमीटर। वेट भी होना चाहिए 45 केजी मेल के लिए, 35 केजी फीमेल के लिए। इतना तो हर किसी का होता है, मुझे नहीं लगता कि फिजिकल में कोई छटेगा, मुझे नहीं लगता। बस आप CBT अपना कंप्लीट कर लेना है ना, CBT में अगर आप अच्छा स्कोर कर गए तो ये नौकरी जो है ना, ये नौकरी, ये वो लोग जो कहते हैं ना कि भाई ITI को इतना हीन भावनाओं से देखा जाता है आज के डेट पे कि ITI क्योंकि मार्केट में उसकी सर्टिफिकेट बिकने लगी वहीं से वैल्यू डाउन हुई है। लेकिन ITI उनको पता नहीं है कि ITI वाले रेलवे में भी गाड़ी चलाते हैं, रेलवे में ट्रेन चलाते हैं, लोको पायलट बनते हैं, उनको शायद पता नहीं है, है ना। कहते हैं ना कि लोमड़ी क्या जाने अंगूर का स्वाद, ठीक है ना, जब उसको अंगूर मिलता नहीं ना तो वो कहता है कि अंगूर ही खट्टे हैं। आपने कहानी पढ़ा होगा ना, तो वही वाली बात है और कुछ नहीं है ना। इसके बाद देखिए फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस वीस है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बॉयलर ऑपरेटर यानी डिप्लोमा वाले के लिए कितना है, 500 रुपये, किसके लिए, अनरिजर्व OBC और EWS के लिए है ना, और ST SC PWD ESM के लिए 150 रुपये है। वहीं पर देखिए ट्रेनी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए कितना है, 300 रुपये, और यहाँ पर 100 रुपये है ना। अपना अपना कैटेगरी देखिएगा, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए 300-150, ये रेशियो रखा गया है, और ITI वालों के लिए 300, ST SC PWD ESM के लिए 150 रुपये है ना। बिल्कुल भी दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पीछे मत रहना, मैं डेट भी आपको बता देता हूँ कि फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो कब से है। तो स्टार्ट तो देखिए हो चुका है, आपको पता है 29/12/2023 को ही, लेकिन क्लोजिंग जो डेट है वो 18 जनवरी 2024। अभी तक टाइम है, अगर आपने नहीं देखा, मतलब कि अगर आपने, आपको नहीं पता है कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है, तो वो है 18 जनवरी। फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, 100 रुपये मात्र फीस है ना। अगर आप OBC के हैं, OBC अनरिजर्व के हैं, तो फिर आपको 300 रुपये देना पड़ेगा है ना, और उसके अलावा वही जो ई मित्र ऑनलाइन का जो चार्ज होगा वो चार्ज आपको पे करना है, यानी कि समथिंग 350 रुपये, और ST SC ESM वालों को 150 रुपये, ठीक है ना। तो आप फॉर्म को अप्लाई जरूर करना। मैं इसका टोटल आपको सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी लेकर के चलना है, और पूरा फीडबैक दूंगा कि जितने बार भी सेल नोटिफिकेशन निकालता है तो कितने दिन में एग्जाम ले लेता है और किस टाइप, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके, ठीक है मेरे भाई। तो ये टोटल डिटेल्स देखिए सेल की तरफ से आया था, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, बट कोई ना, है ना, आपके पास सटीक जानकारी पहुँचना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको आपके सफलता के और करीब लाने की जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो हम लगातार कर रहे हैं, है ना। और सुबह 9 बजे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की डेली क्लास चलाई जा रही है, उस क्लास में, उस सीरीज का हिस्सा जरूर बनिएगा, है ना, वीडियो को जरूर देखने आइएगा सुबह के 9 बजे। तो चलिए मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।